गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में सी 203 में अपन ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दो नंबर में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है और पांच नंबर में हर अल्टरनेट साल एक सवाल पांच नंबर का ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग पे जरूर आता है। तो ओरिएंटेशन से हम क्या समझते हैं इसको पहले अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग मींस फिक्सिंग और सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इन सच अ वे दैट द ऑक्यूपेंट्स डिराइव्स मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज सन विंड ब्रीज एंड सीनरी। अब जैसे ही अपन कोई कंस्ट्रक्शन अपने को करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले साइट अपन ने फिक्स की तो उसके बाद आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर का यह होगा कि बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले उसका गुड ओरिएंटेशन या प्रॉपर ओरिएंटेशन वो तय करें। अब गुड ओरिएंटेशन से क्या मतलब है? गुड ओरिएंटेशन से मतलब यही है कि प्रॉपर प्लेसमेंट रहे यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग का, कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग का, रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग का इन सच अ वे दैट द नेचुरल गिफ्ट्स सन विंड रेन को इसके साथ साथ ही जो आउट ब्यूटी है बाहर की सीनरी जिसको हम कहते हैं और जो एक्सेस है जो बिल्डिंग का ऑक्यूपेंट है वो उसको स्ट्रीट का एक्सेस मिले और उसको अपने बैकयार्ड का एक्सेस मिले ढंग से, इस तरह से नक्शे को सेट किया जाए। अब अपने को यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ओरिएंटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये चार फैक्टर्स हैं, सोलर हीट गेन है, विंड का डायरेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है और चौथा इसका है साइट कंडीशंस या टोपोग्राफी। तो पहले से अपन स्टार्ट होते हैं। तो पहला फैक्टर है सोलर हीट गेन। सोलर हीट गेन को क्या चीजें डिटरमिन करती है? सन का क्या पाथ रहेगा पूरे साल में, सन का पाथ और सन की क्या पोजीशन रहेगी उस लोकेलिटी के हिसाब से जिस लोकेलिटी में वो बिल्डिंग अपनी बन रही है। तो कई जगह बेहद गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने से थर्मल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो बिल्डिंग बनाते वक्त जहां उस लोकेशन में अगर बिल्डिंग बन रही है जहां समर लंबी होती है और ज्यादा गर्म होती है, टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मियों में मिनिमम सोलर रेडिएशन मिले और सर्दियों में मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिले। तो इसके लिए अपने को सन का पाथ स्टडी करके ओरिएंटेशन फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है विंड, या विंड का मतलब हो गया ब्रीज। तो ब्रीज का डायरेक्शन क्या रहता है? ब्रीज का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। गर्मियों में ब्रीज का डायरेक्शन अलग रहता है, सर्दियों में ब्रीज का डायरेक्शन अलग रहता है। तो ब्रीज का डायरेक्शन इस तरह से हो कि गर्मियों में ब्रीज का डायरेक्शन ऑक्यूपेंट्स को मिले जो उन कमरों में रह रहे हैं, और सर्दियों में ब्रीज कम भय या मिनिमम मिले। इस तरह से अपने को प्लान का डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन फिक्स करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है अपना रेनफॉल। रेनफॉल में क्या है? रेनफॉल में इंटेंसिटी कितनी है, रेनफॉल की डायरेक्शन क्या है। ऐसा नहीं हो कि गलत ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया और कमरों के अंदर, आपका ड्राइंग रूम के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर रेन तिरछी पड़ती है तो आधे कमरे में आपके बेड गीले हो जाए, सोफे गीले हो जाए। तो रेनफॉल का ओरिएंटेशन देख के फिक्स करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट अपना क्या है? चौथा पॉइंट है साइट कंडीशंस, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि साइट कौन सी, साइट की टोपोग्राफी क्या है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, जो भी और दूसरी साइट की कंडीशंस है वो भी टोपोग्राफी के हिसाब से साइट जो है थोड़ी सी रोड के से ऊपर होनी चाहिए और उसका इजी एक्सेस होना चाहिए स्ट्रीट, जो भी आपकी स्ट्रीट लगती है। तो ये कंडीशंस हैं, ये फैक्टर्स हैं मेजर जो कि ओरिएंटेशन को गवर्न करते हैं। तो आप अच्छे ढंग से इस टॉपिक को तैयार की करिएगा। दो नंबर की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं और पांच नंबर में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग आ सकता है। थैंक यू।